अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, किचन विद सीमा में वेलकम। अल्लाह ताला के फजल करम से आप ठीक ठाक होंगे, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करें, आमीन। आज मेरे किचन में बहुत ही मजे की चॉकलेट बार बन रही है, जो बच्चों की बहुत फेवरेट होती है। आप इजीली घर पर बना सकते हैं। चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चॉकलेट बार बनाने के लिए हमें चाहिए क्रश की हुई चॉकलेट, डार्क चॉकलेट लेंगे, कोकोनट लेंगे 2 कप पीसा हुआ, चीनी लेंगे 2 से 3 टेबलस्पून, क्रीम लेंगे 1 कप, सॉस पैन में क्रीम ऐड करेंगे, फ्लेम मीडियम पर रखेंगे, चीनी ऐड करेंगे, चीनी को मिक्स कर लेंगे, कोकोनट ऐड करेंगे, मिक्स कर लेंगे, थोड़ी देर के लिए इसको पकाएंगे ताकि क्रीम ड्राई हो जाए। कोकोनट का मिक्सचर रेडी है। कोकोनट के मिक्सचर को ठंडा होने के लिए रख देंगे। चॉकलेट को मेल्ट करेंगे, क्रश की हुई चॉकलेट को बॉल में ऐड करेंगे, सॉस पैन में थोड़ा सा पानी डालेंगे, चूल्हे पर रख देंगे, बॉल को सॉस पैन में रख देंगे, फ्लेम लो पर रखेंगे, चम्मच से चॉकलेट को ऊपर नीचे करते रहेंगे ताकि चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो जाए। मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे ताकि चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो जाए। चॉकलेट मेल्ट हो गई है, बॉल को सॉस पैन से निकाल लेंगे, अच्छे से इसको ठंडा होने देंगे। कोकोनट ठंडा हो गया है, आप कोकोनट के स्लाइस बना लेंगे। इस तरह की शेप में हमने कोकोनट के स्लाइस बना लेने हैं। कोकोनट के स्लाइस को थोड़ी देर के लिए फ्रीजर में रख देंगे ताकि स्लाइस थोड़े से और हार्ड हो जाएं। कोकोनट के स्लाइस हार्ड हो चुके हैं, अब इनको चॉकलेट में डिप करेंगे। फॉर्क की मदद से चॉकलेट बाहर निकाल लेंगे। बटर पेपर पर चॉकलेट बार रखेंगे। सारी चॉकलेट बार की हमने इस तरह चॉकलेट की कोटिंग कर लेनी है।
चॉकलेट बार रेडी है। अब इनको 10 मिनट के लिए फ्रीजर में रख देंगे ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए। चॉकलेट बार रेडी है, अब इसको बटर पेपर से उतार लेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही टेस्टी चॉकलेट बार रेडी है। आप चॉकलेट बार बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं, जब बच्चों को चाहिए इनको फ्रिज से निकाल कर दे दें। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंजॉय कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।